उड़ान रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उड़ान का एडिशन लॉन्च किया 4.1, यानी कि पहले उड़ान 1, 2, 3, 4 एडिशन लॉन्च किए जा सकें, और अब 4.1 ये लॉन्च किया है। किसके उपलक्ष्य में? अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, कमेंसमेंट किया था। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करना, कि इंडिया पे का ये 75 ईयर पूरे होंगे जब इंडिपेंडेंस के, सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसी का पार्ट है उड़ान 4.1। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया है कि 392 नए रूट्स प्रपोज किए हैं उड़ान 4.1 में। रूट का मतलब ये है जी, ये उड़ान जब स्टार्ट की गई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब यू से क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ऐसे एयरपोर्ट जहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं चलती या एक या दो फ्लाइट चलती हैं, उन पे कनेक्टिविटी बढ़ाना, और जो फ्लाइट हैं उनकी मात्रा बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़ाना, कि वहाँ पे जहाज एरोप्लेन से आ जा सकें और कनेक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो इसके अंतर्गत अभी 392 रूट नए प्रपोज किए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वही है जी जो एयरप्लेन्स वगैरह के लिए रूल्स, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देखती है एरोप्लेन्स वगैरह का। अब उड़ान 4.1 के बारे में कुछ देखते हैं कि ये किस किस पे फोकस करती है। ये फोकस करती है जी ऑन कनेक्टिंग स्मॉलर एयरपोर्ट, जो छोटे एयरपोर्ट होते हैं उनको कनेक्ट करने में, अलोंग द स्पेशल हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन रूट्स। ये हेलीकॉप्टर वगैरह से या सी प्लेन के जो रूट होने होते हैं ना, शिप वगैरह से कनेक्टिविटी करती है छोटे जो एयरपोर्ट होते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, ये प्रपोज किए गए हैं अंडर सागरमाला सी प्लेन सर्विस। सागरमाला सी प्लेन सर्विस है जी, जिसमें क्या है, शिप के जरिए किसी, जो मान लो कोई लैंड वगैरह है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये होता है। जैसे शिप में बैठ के आए जी, लैंड से कनेक्टिविटी कराई। इसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, वो किसके साथ मिलके, ये जो सागरमाला सी प्लेन सर्विस है, ये प्रोजेक्ट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का। और जो उड़ान स्कीम है वो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। तो इसके साथ मिलके ये क्या है, कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। इसमें पहली जो ऐसी सी प्लेन सर्विस चलाई गई थी कहाँ पे, ये हमने पढ़ा भी है जब स्टैचू ऑफ यूनिटी पढ़ा, उसके लिए स्टार्ट की गई, जो साबरमती रिवर फ्रंट है अहमदाबाद का, वहाँ से लेके केवड़िया तक। केवड़िया कहाँ पे, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है ना, सबसे ऊंची दुनिया की, 182 मीटर की, ये हमने पढ़ा भी एक लेक्चर में। तो सबसे पहले ये सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की गई, मतलब सी प्लेन सर्विस का ये है, जैसे सी है जी ओशियन है, उसमें से सी है जो शिप जाए और फिर आगे लैंड रूट की कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करे, तो ये है सब इसमें। अब जो उड़ान स्कीम है जी, इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी। सबसे पहले ये उड़ान स्कीम की हम डेफिनेशन, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है, देख चुके हैं, उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी करना, आप मतलब छोटे छोटे रीजन है, एरिया आ जाए, उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाना जहाज के जरिए, एयरप्लेन के जरिए, जो मतलब एयरप्लेन होते हैं उनके जरिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, जिसे 2016 में लॉन्च किया, 2016 में जिसको लॉन्च किया गया। ये एक इनोवेटिव स्कीम है जी, टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट। जो एविएशन मार्केट है रीजनल, उसको डेवलप करने के लिए एक इनोवेटिव स्कीम है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका टारगेट लक्ष्य क्या है। टारगेट ये है जी, जो फ्लाइट हैं उनको क्या है, ऐसी फ्लाइट क्रिएट करना जो अफोर्डेबल हो, मतलब ऐसे देखो, जो पुअर पीपल हैं, जो कॉमन मैन है जी, कॉमन मैन, उनके लिए भी क्या है, वो जहाज़ में बैठ सकें, फ्लाइट पे जा सकें। इसका स्टार्टिंग में रखा गया था किराया, कि अगर 1 घंटे तक की फ़्लाइट है ना, अगर मान लो ए प्लेस है, ए से बी में जाने में एयरप्लेन से कोई जाएगा तो 1 घंटे लग रहा है, तो 1 घंटे का जो किराया होगा वो 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 2,500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या है, कॉमन मैन भी एरोप्लेन्स के जरिए फ्लाइट में जा सकेंगे, तो इसलिए अफोर्डेबल स्कीम थी। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था, जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट हैं उनमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना, प्रोवाइड करना। अनसर्व और अंडरसर्व एयरपोर्ट कैसे होते हैं जी, ये स्कीम देखो जी, अगले 10 साल के लिए ऑपरेशनल थी ये स्कीम, जब 2016 में लॉन्च की, तो ये 10 साल के लिए ऑपरेशनल रहेगी, इस स्कीम का टारगेट था। और अंडरसर्व कौन से होते हैं एयरपोर्ट, अंडरसर्व ऐसे होते हैं जी जिनमें एक से ज़्यादा फ्लाइट नहीं चलती पर डे, मतलब ए प्लेस है ये बी प्लेस है, ए से बी तक सिर्फ दिन में एक ही फ्लाइट जाती है, एक से ज़्यादा फ्लाइट नहीं जाती, एक ही मतलब जहाज जाता है एक दिन में। और अनसर्व कौन से होते हैं, अनसर्व एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जिन पे कोई भी फ्लाइट नहीं जाती, दोज वेयर देयर आर नो ऑपरेशन, जिन पे कोई ऑपरेशन ही नहीं होता, बस खाली पड़े हैं, एयरपोर्ट बना दिए, उन पे कोई फ्लाइट ही नहीं जा रही है। तो ऐसे जो अनसर्व और अंडरसर्व एयरपोर्ट हैं उन पे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना इसका टारगेट था।
इसका क्या था जी, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आएगा, मतलब जैसे किराया होता है जी फ्लाइट का, वो तो महंगा होता है, लेकिन 2,500 रुपये फिक्स रख दिया, तो ये इंसेंटिव कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देगी जी, और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स वगैरह देंगे। ये क्या है, इनकरेज करेंगे ऑपरेशंस को, ताकि अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड जितने भी एयरपोर्ट वगैरह हैं उनमें अफोर्डेबल ये जो ए फ्लाइट है वो उपलब्ध कराई जा सके कॉमन मैन को। इसमें सबसे पहले जी अब तक क्या है, 325 रूट्स टिल डेट, 325 रूट्स अलोकेट कर चुके हैं, मतलब इतने रूट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। 56 एयरपोर्ट इंक्लूडिंग 5 हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट वो होते हैं जी जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, हेलीपोर्ट उतरने के स्थान, जैसे जहाँ पे एयरपोर्ट उतरते हैं, एयरपोर्ट के लिए तो लंबा रनवे चाहिए ना, थोड़ा लॉन्ग, और हेलीपोर्ट के लिए छोटा चाहिए। और 2 वाटर एरोड्रोम्स इसमें जी इंक्लूड हैं। वाटर ड्रोम क्या होते हैं जी, वाटर एरोड्रोम ये होते हैं जी, देखो वाटर एरोड्रोम ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, ये पानी का जहाज़ सही है, पानी पे चल रहा है ये, वाटर एयरड्रोम बोलते हैं इनको। तो इसमें अभी तक क्या है, इतने ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं इस स्कीम में। अब उड़ान, जो उड़ान है, उड़ान 1.0 में क्या क्या आता है, एक तो जी जब फर्स्ट फेज़ स्टार्ट किया था उड़ान का, ये फर्स्ट फेज 1.0 का मतलब है फर्स्ट फेज स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में 5 एयरलाइंस कंपनीज जी इसमें अवार्ड की गई 128 फ्लाइट रूट्स, मतलब 5 एयरलाइन कंपनी थी जो जहाज़ वगैरह जिनके होते हैं उन्हें एयरलाइन कंपनी बोलते हैं, समझे, तो इनके लिए 128 फ्लाइट रूट दिए अवार्ड किए गए, दिए गए उन पे क्या, 70 एयरपोर्ट में इंक्लूडिंग 36 न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट पे ये फ्लाइट चलाएंगे, 128 फ्लाइट रूट्स दे दिए गए इन्हें, मतलब इन पे क्या है, ये कम रखेंगे किराया, 1 घंटे तक की फ़्लाइट है तो 2,500 रुपीज़ मैक्सिमम रखेंगे। और हाफ़ सीट क्या रिजर्व रखी गई इसमें, कि हाफ़ सीट ऐसी रिजर्व होंगी कॉमन मैन के लिए जिनका किराया जो होगा कितने होंगी, 2,500 रुपीज़, तो इसमें ये रखा गया। अब उड़ान 2.0 क्या जी, इसका नेक्स्ट फेज लॉन्च किया गया 2018 में, 2018 में ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया, जो 73 अंडर सर्व और अनसर्व एयरपोर्ट हैं उनको अनाउंस किया गया, मतलब ऐसे एयरपोर्ट जहाँ पे फ्लाइट वगैरह नहीं चलती हैं उनके 73 और इंक्रीज़ कर दिए। और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम हेलीपैड्स वर ऑल्सो कनेक्टेड अंडर फेज 2 ऑफ द उड़ान स्कीम, सबसे पहले जी हेलीपैड भी इसमें इंक्लूड किए गए, कनेक्ट किए गए। हेलीपैड वही है जी, क्या है, जैसे छत पे कोई जगह बना दी, हेलीकॉप्टर छत पे भी उतर सकता है, या फिर ग्राउंड पे ज़मीन पे कोई जगह बना दी जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है उसे बोलते हैं हेलीपैड। तो इस उड़ान स्कीम का सेकंड फेज में ये हेलीपैड भी स्टार्ट कर दिए गए, कनेक्ट कर दिए गए इसके ज़रिए। अब उड़ान 3.0 क्या जी, इसमें टूरिज़्म रूट्स भी इंक्लूड कर दिए गए, ताकि टूरिज़्म सेक्टर है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सकें। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ मिलकर उड़ान 3 स्टार्ट की गई जी, तीसरा फेज़, और इसमें सी प्लेन सर्विस का इंक्लूजन भी किया गया, जिसमें वाटर एयरड्रोम्स के जरिए कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की गई। वाटर एयरड्रोम हम देख चुके हैं यही वाले जी, इनके जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। इसमें नंबर ऑफ रूट्स और इंक्लूड किए गए, जिनमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन इसके अंदर उड़ान स्कीम के अंदर क्या है लाए गए, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आइडेंटिफाई किए गए कि इन एयरपोर्ट वगैरह पे भी फ्लाइट वगैरह चले। अब 4.0 देखते हैं, उड़ान 4.0 ये 2020 में स्टार्ट की गई, और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो है जी उड़ान 4.1, जो अभी लॉन्च किया 2021 में, उसमें और सर्विस एक्स्ट्रा रूट्स वगैरह 392 रूट्स जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किए हैं, ताकि जो भारत का अमृत महोत्सव है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75th इंडिपेंडेंस डे होगा उसे सेलिब्रेट करने के लिए क्या है, नए रूट आइडेंटिफाई किए गए, ताकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे फ्लाइट वगैरह चल सकें। तो 4.0 पढ़ रहे थे हम, 2020 में स्टार्ट की गई, जिसमें 78 न्यू रूट्स और अप्रूव कर दिए गवर्नमेंट ने। तो फोर्थ राउंड था ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का, जिसका नाम है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें फर्दर कनेक्टिविटी एनहेंस की गई, ताकि रिमोट एरियाज और रीजनल एरियाज के कंट्रीज़ में जितने भी रिमोट और रीजनल एरिया, रिमोट एरियाज़ का मतलब है जी दूर दराज के इलाके, जो पहाड़ी वगैरह में इलाके होते हैं जहाँ पे ट्रेन वगैरह बस वगैरह नहीं चल सकती, रोड वगैरह नहीं बन सकते पहाड़ वगैरह में, वहाँ पे क्या है रीजनल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की जाए फ्लाइट के ज़रिए। तो ये इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें जो जैसे हमारे जो अंडमान निकोबार हो गया जी, या फिर हो गया अपना लक्षद्वीप, इसके कुछ आइलैंड में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की, जैसे लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड है जी मिनिकॉय, अगाती, ये कावरती, इन आइलैंड भी कनेक्टेड कर दिए गए बाय द न्यू रूट्स ऑफ उड़ान 4.0। जब ये उड़ान स्कीम का फोर्थ फेज लॉन्च किया गया, तो ये भी रीजन है कनेक्टिविटी, इनमें भी इंक्रीज़ कर दी गई, ये रूट्स भी आइडेंटिफाई किए गए कि यहाँ पर भी फ्लाइट वगैरह चलेंगी। तो इसमें यही था उड़ान में बस।